औरैया में 27 जनवरी को किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अनंतराम टोल प्लाजा कर्मियों ने अभद्रता की, जिसके विरोध में वे किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह लखनऊ चिंतन शिविर में जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अभद्रता की और राष्ट्रीय सचिव को रोका। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के साथ भविष्य में भी ऐसा व्यवहार ना हो, इसके साथ ही गाड़ियां भी टोल फ्री की जाए। देखिए, हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम था, हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता 27 जनवरी को हम किसान यूनियन का प्रयागराज में चिंतन शिविर था, वहाँ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी निकल रहे थे। 27 जनवरी को यहाँ रोका गया, अभद्रता की गई, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ शांतपूर्वक तरीका से यहाँ पर धरना किया। जो SDM महोदय, यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं, वो आए, हमारी उनसे वार्ता हुई, कुछ शर्तें हमने रखी, उन्होंने मानने का आश्वासन दिया और हमारे पदाधिकारियों को निकलने का आश्वासन दिया। धरना दिया है कि हमारे कार्यकर्ताओं से टोल न वसूला जाए, इसके लिए ये समझौता हुआ कि जिलाध्यक्ष औरैया और जिलाध्यक्ष इटावा को अधिकृत किया गया है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी या किसी पदाधिकारी की निकलेगी तो इन लोगों को सूचित किया जाएगा, दोनों जिलाध्यक्षों को, और जिलाध्यक्ष यहाँ पे मैसेज डालेंगे कि फला नंबर की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, यानी कार्यकर्ता की भारतीय किसानों का राजनीति, तो ये मैसेज मानेंगे। इन्होंने ये इस बात को माना है, SDM साहब महोदय भी आए थे और हमारा ये समझौता के साथ हुआ है